दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट का न्यू अपडेट आ चुका है। यदि आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ ठीक है लेकिन आपका पीएफएमएस यहां से रिजेक्ट आ रहा है या पेमेंट मोड आपका अकाउंट आ रहा है या अकाउंट करेक्शन रुकेट आ रहा है तो ऐसे लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे कि पीएफएमएस को रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग हो गया, उसे कैसे ठीक करेंगे। यदि आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे कैसे ठीक करेंगे और उसके बाद में पीएम किसान सम्मान निधि का जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है वो हमें कैसे मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पर आ जाना है। यहां से आने के बाद में अपना जो स्टेटस होता है उसे चेक करें। स्टेटस चेक करने के लिए नया स्टेटस पे जाना है। यहां से रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपका जो स्टेटस होगा वो लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक किसान भाई का यहां से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। इनका दोस्तों आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है इनका यहां से सब कुछ ओके आ रहा है। लैंड शीटिंग ओके आ रहा है, ई केवाईसी ओके आ रहा है, आधार कार्ड शीटिंग ओके आ रहा है। बट जो इन किसान भाई को जो पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट का वो पैसा है वो इन किसान भाई को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि इन किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओके है तो इन किसान भाई को पैसा क्यों नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हैं जो पीएफएमएस होता है पीएफएमएस की तरफ से ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डाला जाता है। जैसे कि आपको जो पीएफएमएस होता है आधार बेस पेमेंट होता है। जब आपके आधार कार्ड में डीबीटी की सुविधा उपलब्ध होती है, आपका खाता एनपीसीआई से लिंक होता है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। तो हम दोस्तों पीएफएमएस को कैसे ठीक करेंगे, पीएफएमएस को कैसे जानेंगे कि हमारा खाता पीएफएमएस के लिंक है, हमारा जो अकाउंट है डीबीटी से एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है पीएम किसान पीएफएमएस, तो इस पर आपको एंटर कर देना है। अब जैसे कि आप इस पर एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिलता है लास्ट पीएफएमएस रेफरेंस, तो आपको सिंपली इस वाले कॉलम पे एंटर कर देना है। दोस्तों जैसा कि मैंने इस पे कर दिया, उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है और यहां से जो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में आपको एक यूआरएल मिल जाता है। अब दोस्तों यदि आप मोबाइल पे चला रहे होंगे तो ये यूआरएल आपका ओपन नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे एक पेंसिल मिलता है, पेंसिल को जैसे ही टिक करेंगे तो आपका ये यूआरएल एडिट हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो स्टार स्टार मिल रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको फिल कर देना है। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, आपको अपना करेंट डाल देना है। जैसे आप यहाँ से डालेंगे और वैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पीएफएमएस होगा वो लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से दो किसान भाई का पीएफएमएस को ओपन कर लिया, एक किसान भाई का पीएफएमएस यहाँ से ओके है, इन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और जो दूसरे किसान भाई हैं जिनका पीएफएमएस जो है वो यहाँ से रिजेक्ट आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिलेगा वो भी आपको जान लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है पेमेंट जो मोड है इनका वो यहाँ पे अकाउंट आ रहा है। यदि आपका भी पेमेंट मोड यहाँ पे अकाउंट आता है या अकाउंट करेक्शन रुकेट आता है या आपका ऐड पेमेंट बैंक पेंडिंग आता है या रिजेक्ट आता है तो ऐसे लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो जाएंगे। अब दोस्तों आप इसका सुधार कैसे करेंगे, यदि आपका अकाउंट आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है तो इसका सुधार कैसे करेंगे। इसका सुधार सिंपली है दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे देख लेना है जो आपका पेमेंट मोड है आधार होना चाहिए। यदि यहाँ पे आधार नहीं है, जैसा कि इन किसान भाई का मैंने देखा है यहाँ पे आधार आ रहा है, पेमेंट मोड आधार आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को पैसा मिल जाएगा, एक्सेप्ट आ रहा है मिल जाएगा, इन किसान भाई को कुछ भी नहीं करना है। यदि इन किसान भाई का यहाँ पे अकाउंट आ रहा है तो इन किसान भाई के पास में दो रास्ते हैं। सबसे पहले जो जिस बैंक में इनका अकाउंट है उस बैंक में जाना है और उस बैंक में जाने के बाद में जो भी इनका बैंक अकाउंट है उस अकाउंट में इन्हें अपना आधार कार्ड को सीटिंग करा देना है। आधार कार्ड सीटिंग का मतलब होता है दोस्तों जो आपका अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाता है और जो आपकी आधार कार्ड का जो डीबीटी की सर्विस होती है ना, डीबीटी की जो सर्विस होती है जैसे आधार कार्ड बेस पेमेंट पड़ता है तो डीबीटी के माध्यम से पड़ता है, तो आपके अकाउंट में डीबीटी की सर्विस एक्टिव हो जाती है और आपका खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाता है, तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसा होता है वो मिल जाता है। यदि बाय चांस आपने अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करा दिया है, डीबीटी एक्टिव करा दिया है, फिर भी आपका सुधार नहीं हो रहा है, यहां पे काफी परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास में दूसरा रास्ता है, आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है।
यदि दोस्तों आप न्यू अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो आपको यहाँ पे 15 से 20 दिन में यहाँ पे PFMS जो है अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा लिया है, BOB में करा लिया, स्टेट में करा लिया या अन्य किसी बैंक में करा लिया, फिर भी उनका यहाँ पे, तो दोस्तों ऐसे किसान भाई को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो PFMS होता है यदि अपडेट नहीं हुआ है, बाई चांस अपडेट नहीं होता है किसी किसान भाई का यहाँ पे, तो उन किसान भाई को 1 से 2 मंथ लग जाते हैं अपडेट होने में दोस्तों, ठीक है। यदि आपने अभी तक आपका जो PFMS है अकाउंट आ रहा है या अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। डाकखाने से खाता खुलता है दोस्तों, या अपने अकाउंट में आधार कार्ड सीटिंग करा देंगे तो आपकी यह सुविधा यहां से एक्टिव हो जाएगी। और जब आपकी एक्टिव हो जाती है तो उसके बाद में आपको यहां पे एक मैसेज अलग ही दिखता है, जैसे पेमेंट मोड आपको यहां पे आधार दिख रहा है, पहले अकाउंट दिख रहा था, उसके बाद में आपका PFMS रेफरेंस जो डेट है वो आपको यहां पे दिख जाती है, कब हमारा एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट भी होना चाहिए क्योंकि कुछ किसान भाई का जो एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट आता है, तो रिजेक्ट वाले जो किसान भाई हैं लाभार्थी हैं उन किसान भाई को यहां पे पैसा नहीं मिल सकता दोस्तों, इतना आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो आप एलिजिबिलिटी की तरफ आ जाना। एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपको देख लेना है कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे सब कुछ ओके है, यहाँ पे तीसरा कॉलम नहीं आना चाहिए, इफ एनी का नहीं आना चाहिए। जिस लाभार्थी का इफ एनी आ जाता है वो किसान भाई आपात्र हो जाते हैं, आपात्र श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसे किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओके भी होगा, यदि PFMS भी ओके होगा, यदि इफ एनी आ गया, तो ऐसे लाभार्थी यहाँ से आपात्र हो जाते हैं, उन्हें PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता। यदि आपका यहाँ पे सब कुछ ओके आ रहा है तो आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको PM किसान सम्मान निधि के रिलेटेड वीडियो मिल जाती है कि आपके फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आपको भी PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता है या पेमेंट स्टॉप हो जाता है, एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको यह वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय हिंद दोस्तों।